नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं मोहम्मद गुलरेज और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। आज हम आए हुए लक्ष्मी नगर की विधानसभा में। यहां से विधायक रह चुके नितिन त्यागी का आम आदमी पार्टी ने फिर से एक बार नितिन त्यागी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो वहीं बीजेपी ने अभय कुमार वर्मा जी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से टाल ठोक रहे हैं हरिदत्त शर्मा जी। तो इनमें देखना होगा कौन जीतता है और कौन हारता है, और यहाँ की जनता जो है वो क्या चाहती है, किसे वोट करना चाहती है, और मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। किसे वोट करेंगी आप? मैं तो भैया जिसको करूँगी, जो मेरा सुनेगा उसकी करूँगी वोट। हम तो देते आते हैं, उनको ही देंगे। बस किसे देती आती हैं आप वोट? आप सोच लो भैया, मेरे तो भैया अनपढ़ बुद्धू ना तू, जिस पर लग जाती है वही पर दे देती हैं भाई। मुख्यमंत्री कौन सा देखना चाहेंगे दिल्ली का आप? हमने देखते बस, न कांग्रेस दिया, न बीजेपी दिया, न आम आदमी दिया। हम किराएदार हैं, हम ऐसे टाल रहे हैं। मैं नहीं करूँगा। आप किसे करेंगे वोट? हम तो भैया बीजेपी को। किसे? बीजेपी। केजरीवाल ने बहुत सारे काम किए हैं, स्कूलों, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए और लेडीज़ के लिए, ऑटो वालों के लिए। मैं भाजपा को वोट करूंगा। भाजपा की और भी पार्टियां हैं? पार्टियां तो बहुत है, सब अपनी सोचती है, अपने घर का सब सोचता है, लेकिन बाहर का और देश का कौन सोचेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सबसे पहले देश है तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये घर है, घर क्या रहेगा? कल को आगे घर पे आगे, घर से बाहर निकाल दे फिर क्या जाओगे? मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में अगर हम भाजपा को वोट दे रहे हैं तो स्पेशली मुख्यमंत्री भी भाजपा ही होगा। अब कौन होगा, क्या होगा, वो डिपेंड करता है पार्टी पे कि वो किसको चुनती है, दिल्ली के लिए कौन, दिल्ली को जो अच्छा जानता हो, दिल्ली में क्या समस्या है वो जो अच्छी तरीके से जानता हो, वही भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मेरा तो केजरीवाल चाहिए जी। केजरीवाल की डिमांड है। केजरीवाल ही क्यों, और भी पार्टियां हैं? जो काम करता है वो उसको चाहिए आदमी, जो काम करता है उसको अच्छा लायक चाहिए। फरवरी में मतदान है दिल्ली में, किसे वोट करेंगे आप? बीजेपी को। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी ही को। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है? नहीं, बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है। हाँ। तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? ये तो मेरे को नहीं पता जी। बीजेपी को ही। केजरीवाल अच्छा काम करा रहे हैं, बिजली मुफ्त की है, पानी का कम किया है, सारा कुछ। केंद्र में मोदी बढ़िया, वो देश देखे, देश संभाल लें, विदेश संभाल लें, सब कुछ संभाल लें, संभाल लें मोदी जी। वो वहाँ के लिए बढ़िया है, दिल्ली के लिए केजरीवाल बढ़िया है। दिल्ली में 100% बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो देश को संगठनात्मक शक्ति दे सकता है और जो देश हित में कार्य कर सकता है। दिल्ली में आप अगर देखना चाहेंगे तो आप एक साल के ही दौरान जो भी कार्यक्रम दिखाए गए वो केवल चुनावी मुद्दे को नज़र में रखकर किए गए हैं। आप बिजली या पानी या जिस तरीके से आप दे रहे हैं वो सिर्फ चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए कि भी हमारी सरकार ना चला जाए, चलो ये फ्री कर दो, वो फ्री कर दो, उनका बस हो तो सारी चीज़ फ्री कर देंगे, खाना भी फ्री कर देंगे। भाई एक सवाल मैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि यदि वो फ्री दे रहे हैं तो क्या गारंटी है कि सरकार तुम्हारी बनने के बाद तुम उसे चार्ज नहीं लगाओगे? अगर उन्होंने डबल चार्जेस बिजली के और पानी के कर दिए फिर क्या दोबारा चुनाव कराएंगे? आपने किस योजना के तहत ये फ्री किया है? आपने योजना का कहीं उल्लेख नहीं किया है कि हमारी ये योजना है कि जल योजना है, जल संरक्षण योजना है, या हमारा बिजली बचाओ योजना है। आपने किस योजना के तहत फ्री कर रखा है? सरकार जो भी आपको टैक्स दे रही है या जो भी ले रहा है, केवल फ्री के लालच में मत पड़ो। हम आम जनता से यही निवेदन करते हैं कि वो फ्री का लालच छोड़ करके एक सत्य और सिस्टम पे चले, जो हमारी संगठनात्मक शक्ति है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो केंद्र से भी मदद मिलेगी और दिल्ली को चमकाने का मौका भी मिलेगा। देखो, हम तो उसको वोट देंगे जो काम बढ़िया करे दिल्ली के लिए, नागरिकों के लिए और सबका विकास हो, जिसमें आम नागरिक को सहूलियत मिले, हर चीज़ की फैसिलिटी, हम तो उसको चाहेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री हमने बोला जिसको जो बढ़िया काम करे दिल्ली नागरिकों के लिए, सुविधा दे, सारी सहूलियत दे, उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? देखो जी, जो
सर ने कहा बिल्कुल सही कहा, जो अच्छा काम करेगा, बिजली सस्ती करेगा, पानी वानी सहूलियत देगा, जो कहने का मतलब है जो सहूलियत दे उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जी जी, बनाने वाले आम पब्लिक बनाने वाली है, मुख्यमंत्री पब्लिक बनाएगी। जी जी, बाकी केजरीवाल भी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात। आप वोट किसे करेंगे? भाई मैं अपनी राय दूं तो मैं केजरीवाल को करूंगा। तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? उन्हीं को देखना चाहते हैं। किसे वोट करेंगे आप? वो केजरीवाल मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल। किसे वोट करेंगे आप? देखो जी, वोट हम जो काम हमारे देश का बढ़िया करेगा नागरिक का, वोट उसे दिया जाएगा। पानी बिजली हमारी माफ करी जाए। अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी है, केजरीवाल को भी देंगे हमारे दिल्ली सेंटर का। साल में उन्होंने काम किया है। वोट करेंगे आप? मैं तो बीजेपी को दूंगा, कमल को। ठंड के मौसम में बड़ी सारी प्लानिंग करी थी, क्या आपको प्रदूषण के ऊपर कोई ठोस प्लानिंग दिल्ली सरकार की नजर आ रही है? पर्यावरण के ऊपर आपने कभी दिल्ली सरकार को काम करते हुए देखा है? कभी देखा हुआ आपने कि हम पर्यावरण के लिए, आपने बसों को बंद करवा दिया, ये बंद करवा, कब बंद करवाया? जब आपको माथे सर पे प्रदूषण हो जाता है। फिर आपने दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए क्या कार्यक्रम करे 3 साल पहले से, आप उसको देखिए ना, आपकी प्लानिंग योजना क्या है। कोई भी मुख्यमंत्री किसी शहर को चमकाने के लिए बनाया जाता है तो उनकी एक प्लानिंग होती है, सिस्टम होता है, उनका एक प्रोसेस होता है। आपने फ्री दे दिया, अरे भैया उनको क्या, उनको तो पैसे बच गए, हाँ जी फ्री में तो तुम वोट ले लो, कल हम आपको किसी चीज़ का फ्री। आप ये देखिए कि आपकी योजनाएं क्या है प्रदूषण के ऊपर। आप यूथ को कैसे आप चमका रहे हैं, किसी यूथ को आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने क्या क्या स्कीमें दे रखे हैं? आपने दिल्ली सरकार के नौकरी योजना के तहत कितने यूथ को आपने आगे ला करके नौकरियाँ दी है? क्या हो रहा है, सांप सूंघ गया, सारी जगह काम धंधे नहीं है। आप मोदी मोदी को गाली दे रहे हो, आप जीतोगे, अगर आम आदमी जीत के आती है तो सारा साल मोदी जो पीछे किया था, याद होगा आपको, कोर्ट से जीतने के बाद इनको परमिशन मिली, फंड मिला जब इन्होंने काम शुरू करा। यही स्थिति फिर दिल्ली की आएगी दोबारा, तो दिल्ली का कबाड़ा होगा नहीं होगा ये आप बताओ मुझे। मैं हर जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस बार आपके पास समय है, वक्त है, सोचिए, हर चीज़ को पैरामीटर से नापिए, फिर जो आपको अच्छा लगे आप उनको वोट दीजिए। लक्ष्मीनगर विधानसभा के लोगों की क्या कुछ राय थी ये हमने जाना, और इन्हीं ओपिनियन के आधार पर अब देखना होगा 11 फरवरी में किसकी किस्मत खुलती है और कौन होता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। कैमरा पर्सन गोपी के साथ मैं मोहम्मद गुलरेज, देखते रहिए चकाचक एक्सप्रेस।